हमें बस प्रूफ चाहिए। प्रूफ मिल गया ना तो हम समझ लेंगे हमारे प्रिंसिपल सर की गलती है। कोई करते है तो बताओ, बिना गलती के कौन करते है? बिना सबूत बिना गलती कौन कुछ कर देगा? एक स्कूल के बच्चे स्कूल के बाहर दरी बिछा कर बैठे हैं, साथ ही गांव के लोग भी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में ताला लगा और ये ताला लगाया खुद स्कूल के बच्चों और गांव के लोगों ने मिलकर, क्योंकि वो नाराज़ हैं इस बात से कि उन्हीं के स्कूल के प्रधानाध्यापक का तबादला कर दिया गया है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनके प्रधानाध्यापक की क्या गलती थी कि उन्हें यहाँ से बदलकर बीकानेर उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। उनका कहना है कि उनके प्रिंसिपल ने स्कूल में इतना काम किया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना काम किया है जो कोई दूसरा प्रिंसिपल नहीं कर सकता, और वे चाहते हैं कि ये स्कूल तभी खुलेगी जब उनका प्रिंसिपल वापस उस स्कूल में आएगा। तो चलिए गाँव के लोगों से बात करते हैं और स्कूल के बच्चों से भी बात करते हैं, ताकि आप भी समझ पाएँ कि इस प्रधानाध्यापक के तबादले से उन गाँव के लोगों और बच्चों में कितना दर्द है। सबसे पहले जब से ये स्कूल खड़ा होना शुरू हुआ था उस समय से इस स्कूल के पीछे हुए कुछ गांव के नुमाइंदे पड़े हुए हैं कि ये स्कूल यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए। जब उसकी ये नहीं चली कि ये स्कूल यहीं पर खुलेगी, तो फिर स्कूल के हेडमास्टर के पीछे पड़ गई। वो स्कूल के हेडमास्टर के पीछे बदली के लिए गाँव के ही चारों तरफ जो बसावट है उनके कुछ आदमियों के झूठे ब्लैंक पेपर पर साइन करवा के कि हम स्कूल को यथाशक्ति यहीं पर रखने के लिए हम ये एप्लीकेशन विधायक जी को देंगे, खाली पेपर पर साइन करवा के सबके इनके साइन करवा के और जाके विधायक जी के पास जाके और नाम लिख दिया प्रधानाचार्य महेश कुमार की बदली के लिए ये कार्रवाई की गई है। जबकि जो यहाँ साइन करने वाले थे उनको किसी को ये मालूम नहीं कि हमारे पे किस पे साइन करवा रहा है। ये सब अपनी दुकान चलाने के लिए, ये सब अपने आप खुद के मतलब फायदे के लिए ये कार्रवाई की गई है। गांव के ही कुछ यहाँ पर है जो अपनी दुकान चलाने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि उसी प्रधानाचार्य महेश कुमार जी को यथाशक्ति यथाशक्ति यहीं पर लाया जाए, ताकि गांव के ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये आगे विकास करके और अपना गांव का अपना डिस्ट्रिक्ट का अपना राजस्थान स्टेट का देश का नाम रोशन कर सकें। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि मेरा हमारा ये जो प्रधानाचार्य महेश कुमार जी हैं यहाँ पर अपना 3 घंटा एक्स्ट्रा कोचिंग देता है खत्म होने के बाद में, फिर शाम को 8 बजे तक यहाँ पर स्कूल में ग्राउंड में बच्चों को खिलाता है और फिर खुद रोटी बना के यहाँ पर पड़ोस में वो अपने मकान पर खाता है। ऐसा आदमी शायद ही 1000 में से 1 मिलेगा जो निस्वार्थ ये कार्रवाई कर रहा है, जिसके पीछे पड़ के अपने फायदे के लिए गांव के कुछ नुमाइंदे उसको बदली करवाया। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर धरना रहेगा, चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़ेगा ये लड़ाई हम लड़के ही रहेंगे। हमें बस प्रूफ चाहिए। प्रूफ मिल गया ना तो हम समझ लेंगे हमारे प्रिंसिपल सर की गलती है। कोई करते है तो बताओ, बिना गलती के कौन करते है? बिना सबूत बिना गलती कौन कुछ कर देगा? कोई सबूत तो बताओ, कोई सबूत है तो बताओ, कोई सबूत बताओ उनका। अगर इतना सब प्रूफ मिल गया ना तो समझ लेंगे, मान लेंगे, हम जाने देंगे उनको क्या उनकी गलती है। बिना गलती के तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें हमारा प्रिंसिपल सर चाहिए। हमारे प्रिंसिपल सर चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। लेकिन उनका तो यहाँ से ट्रांसफर हो गया ना। क्यों हो गया? क्यों हो गया? ट्रांसफर? कोई प्रूफ है ट्रांसफर होने का? कुछ किया हमारे प्रिंसिपल सर ने? तो उनकी जगह दूसरे प्रिंसिपल आ जाएंगे? नहीं नहीं। को महेश जी प्रिंसिपल बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, वे अति बड़ी मेहनत करता कि वे एक्स्ट्रा क्लास भी लेता, बिकी कोई बच्चा को फीस खोल लेता और इस स्कूल ने मतलब चमकाबा को पूरो कारण शेरिय बानी है। और गांव को दुर्भाग्य है कि आज यहाँ का बड़ी आदमी ईमानदार और कर्मठ और युवा आदमी
को APO करावे, वो गांव के लिए बहुत दुर्भाग्य है और बच्चा के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ किए। जो भी लोग करे है, जो भी नेता ही मैं सम्मिलित मां नेता के पास भी मैं जावला, मैं ठेबला ही मान 5 दिन बैठा रहना पड़े, मैं बैठा रहला, मान कुछ भी करना पड़े, MP के पास जाना पड़े, MLA के पास जाना पड़े, जो भी हमारा जनप्रतिनिधि कोई के पास जाना पड़े, मैं बैठे जावला। और नौबत टंकी पर चढ़वा के आई तो मैं टंकी पर भी चढ़ जावला। मैं यहाँ का आदमी, यहाँ पर प्रिंसिपल को ये जो APO करियो इन निरस्त किया जाए, यही मेरी गवर्नमेंट और राज्य सरकार से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी है ना बहाल कर और यहाँ लगाया जाए। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जब अलग अलग गांवों में स्कूलों में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं कि स्कूलों में ऐसे अध्यापकों का तबादला किया जा रहा है जो उस स्कूल में बेहद अच्छा कर रहे हैं। तो सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि उनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो किस प्रकार से बने। कम से कम उन्हें इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि वो उन अध्यापकों का तबादला तो कम से कम ना करे जो उस स्कूल में अच्छा कर रहे हो, जो उस गाँव के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी एजुकेशन दे रहे हो। सरकार को एक बार फिर से सोचना होगा और जहाँ पर भी इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हैं उन्हें दोबारा से रिविजिट कर ऐसे तबादलों को वापिस बदला जाए ताकि बच्चों की शिक्षा का नुकसान न हो, वापिस स्कूल सुचारू रूप से चल सके। हम लगातार आपके सामने आपनों सीकर के माध्यम से ऐसी कवरेज लेकर आते रहेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।